Yeah, here again, I would like to inform you that we are going to start second semester, and you will come to know in second semester there is what there is a paper entitled poetry. Just as in first semester, you find there was a paper entitled prose. First semester में अगर आपको याद होगा, आपको जो पेपर था उसका नाम प्रोज था. वो प्रोज 8 यूनिट में बटा हुआ था, 8 यूनिट्स में. एंड यू केम टू नो अबाउट प्रोज, टाइप्स ऑफ प्रोज. यू केम टू नो अबाउट सम प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर्स, दे रोट द नावेल. यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकेंड में आप प्रोज एंड इट्स टाइप्स था. फिर यूनिट थर्ड में डिवाइसेस रिलेटेड टू प्रोज था. यूनिट फोर्थ में सम एसेज यू फाइंड, और नेक्स्ट यूनिट में यू फाइंड सम शॉर्ट स्टोरीज. एंड यूनिट एट्थ में यू फाइंड सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर. बट हियर इन सेकेंड सेमेस्टर, स्पेशली कानपुर यूनिवर्सिटी का जो सेकेंड सेमेस्टर है, यू फाइंड हियर की द सेकेंड इन सेकेंड सेमेस्टर देर इज अ पेपर इन टाइटल पोइट्री. एंड यू विल कम टू नो वट इज पोइट्री, हु इज अ पोएट, द सालियन फीचर्स आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री. ऑलरेडी यू हैव रेड इट इन इंटरमीडिएट. ऐसा नहीं कि कोई नई बात बताई जा रही, यू हैव ऑलरेडी रेड इट. आपने पहले भी इसको पढ़ा है, जानते भी हैं, समझते भी हैं पोइट्री क्या होती है, पोइट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी क्या खासियत होती है. नथिंग न्यू हियर यू फाइंड. बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन सिग्निफिकेंट पॉइंट. Whenever you go with the syllabus, means second semester का जो syllabus है, if you go with that syllabus, you have to keep in your mind कि here you have to prepare not for prose, here you have to prepare for poetry. आपको poetry के लिए अपने आप को prepare करना है. poetry का पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, prose का अलग होता है. and you know it very well whenever you talk about लिटरेचर. तो ये लिटरेचर के जितने भी फॉर्म्स हैं, उन्हीं फॉर्म्स में से एक फॉर्म प्रोज है, एक फॉर्म पोइट्री है, एक आपका ड्रामा है, एक आपका नावेल है, एक शॉर्ट स्टोरी है, कई तरह के उसके फॉर्म्स होते हैं. तो बीए फर्स्ट ईयर में आपको दो तरह के फॉर्म से वाकिफ कराया जा रहा है. एक फॉर्म आपका प्रोज है, जिससे आप वाकिफ हो चुके हैं कुछ ऑथर्स के बारे में, उनके अपने वर्क्स के बारे में. बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में यू विल कम टू नो अबाउट पोएट, देयर पोएम्स, द बेसिक आर द सालियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम एलिजाबेथन एज टू मॉडर्न एज. एलिजाबेथन एज से लेकर के मॉडर्न एज तक आप उसके बारे में जानेंगे. आज मैं आपको जो है एक छोटा सा लेक्चर है मैं भेजूंगा कि जो हिस्ट्री, जो मैं लिटरेचर की बात करता हूँ, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की, उस इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से एज हैं और हमें उस एज की डेट क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए. बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट कि दिस राइटर बिलोंग्स टू दिस एज, देन यू आर अनफेमिलियर, यू आर अनएक्वाइंटेड कि ये राइटर कैसे एज से बिलोंग करता है. अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आधुनिक युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, नई कविता, और उसके बाद भक्ति काल, रीति काल, तमाम जैसे है, जैसे एक हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है और हमें पता होता कि फला पोएट फला एज से बिलोंग करते थे. इन द सेम वे यू फाइंड दैट इन इंग्लिश लिटरेचर इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू सो मेनी एजेस. And you find a history of literature, a history of English literature. You find you must know about that history, and that history has been divided into small ages. उसको small ages में divide किया गया है. तो you must know which was the first age, और उस age के poets कौन थे, या जो poets आपके यहाँ syllabus में है वो किस age से belong करते हैं और उस age की क्या खासियत रही. If you go with trends and movements, if you go with the age, if you go with the poet and which age they belong, you will be able to understand very well ki kya kya cheeze wahan pe hona chahiye. So just sharing you that image, us image mein you will come to know ki hame kya kya padhna hai, kya kya cheeze hai, and you will be able to understand what you have in second semester, especially that paper is what, that paper is poetry, which poet, which poem you have to study. Yeah, just sharing you that image.
या आई हैव शेयर्ड एंड इमेज एंड हियर यू फाइंड इज इट विजिबल यस सर या इट्स विजिबल बट आई हैव शेयर्ड यू यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट सिक्स यूनिट सेवेंथ एंड यूनिट एट अगेन यू फाइंड हाउ मेनी यूनिट यू फाइंड देर आर द एट यूनिट एज यू फाइंड as you find eighth unit in paper first in the same way you find that there are also eighth unit so maine isko isliye share kiya hai ki ye unit jo aapka fourth hai yahi se bahut important hai unit first bhi bahut important hai unit second bhi important hai but unit first and in unit second you come to know about types of poetry ya types of poem in unit first and unit second And even in unit third, you find the poetic devices. I here want to tell you, whenever you go with these words, yeah, whenever you cover these points, here I would like to read ki jo unit second appear ho raha. Unit second mein kya hai aapka stanza form. What form? Stanza form. And what stanza you have to go? You have to go with the heroic couplet, you have to go with blank words, you have to go the Spenserian stanza, you have to go terza rima. I just want to tell you, whenever you and I prepare, especially poetry, we must know what is poetry, who is a poet, we must know especially stanza form, we must know, you can say, other things also we must know and what are these things number one the heroic couplet blank verse the Spenserian stanza and terza rima these things you find I just want to tell you if you go with this thing if anyone asks you what is stanza form then this stanza form means what stanza form means a group of verse line stanza form usko kaha jata hai जिसको क्या कहा जाता है ग्रुप ऑफ वर्स लाइन्स जैसे अगर जो है आप ये देखेंगे कि प्रोज में क्या यूज किया जाता है पैसेज यूज किया जाता है तो पैसेज भी क्या होता है पैसेज जो है आपका कुछ लाइनों का ग्रुप होता है कुछ लाइनों का समूह होता है उसको पैसेज कहा जाता है ऐसे ही पोइट्री की लाइन को क्या कहा जाता है स्टैंजा कहा जाता है तो जो स्टैंजा होता है उसमें एक स्टैंजा हीरोइक कपलेट है और एक आपका ब्लैंक वर्स है एक आपका स्पेंसरियल स्टैंजा है एक आपका टर्जा राइमा है लेकिन इसके अलावा मैं और भी कुछ स्टैंजास के बारे में बताऊंगा और जो स्टैंजास होगा उसमें आपको जो है फ्री वर्स के बारे में यू विल कम टू नो अबाउट चासरियन स्टैंजा यू विल कम टू नो अबाउट सम अदर स्टैंजास भी आपको पढ़ने को मिलेगा तो ये चीजें हमें वाकिफ होना है कि वो कौन सी चीजें हैं कि पहला जो सेकेंड यूनिट है वो आपका क्या है स्टैंजा फॉर्म उस स्टैंजा में क्या है द हीरोइक कपलेट ब्लैंक वर्ड स्पेंसरियन स्टैंजा टर्जा राइमा लेकिन इसके अलावा भी आदमी का और स्टैंजा से वाकिफ होना चाहिए वो कौन सा स्टैंजा है चौसरियन स्टैंजा आपका उसके अलावा जो है क्वाट्रेन फोर लाइन स्टैंजा होता है चौसरियन स्टैंजा सेवन लाइन्स होता है स्पेंसरियन स्टैंजा जैसे इसमें दिया गया नाइन लाइन्स होता है टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है थ्री लाइन्स का होता है टर्सेट एक स्टैंजा है वो भी थ्री लाइंस का होता है तो जितना भी स्टैंजा फॉर्म है जो सिलेबस में है और जो नहीं भी है मैं उसे भी आपको बता दूंगा ताकि एक जगह ज्यादा समय नहीं लगना वो एक या दो दिन की बात है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ द सेकेंड यूनिट फर्स्ट यूनिट सबको क्लियर हो गया व्हाट इज स्टैंजा फॉर्म यस सर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है You can just drop message in chat box if you have any problem. So you came to know about what? You came to know about this stanza form. इस stanza form के बारे में आपको जानकारी मिल रही है कि stanza form में क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या चीजों पर हमें ध्यान देना है तो I just want to tell you कि whenever you and I go with stanza form, तो in stanza form you find what? You find heroic couplet. You find blank words, you find the Spenserian stanza, you find terza rima. इसके अलावा और भी बहुत सारे stanza form है हम उन सबको भी लेकर के चलेंगे उन सब में मैंने आपको बता ही दिया कि
आपका चासरियन स्टैंजा, सेवन लाइंस का क्वाट्रेन, फोर लाइंस स्टैंजा, ऑक्टेव एट लाइंस स्टैंजा, सेक्सटेट सिक्स लाइंस स्टैंजा, टर्सेट थ्री लाइंस स्टैंजा, अट्टवा राइमा एट लाइंस स्टैंजा, टर्जा राइमा थ्री लाइंस स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा आपका नाइन लाइंस स्टैंजा। जो ब्लैंक वर्स है ये स्टैंजा फॉर्म ना होकर के ये वर्स का एक तरीका, हीरोइक कपलेट टू लाइंस का होता है कि पेयर ऑफ वर्स, अ पेयर ऑफ वर्स राइमिंग कहीं ना कहीं उससे, और वो हीरोइक मीटर में होता है, दैट इज आयाम्बिक पेंटामीटर। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है। दूसरा जो थर्ड यूनिट है उसमें पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस में क्या क्या हमें समझना है? पोएटिक डिवाइस में हमें देखना है कि पोएट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर मीन्स एक पोयम को जब लिखा जाता है तो क्या क्या चीजें फॉलो की जाती है। जैसे अगर कोई आदमी कहेगा कि आपके शरीर की बनावट क्या है, आपके शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारे शरीर की जो बनावट है, क्या आदमी के हाथ है, पैर है, और उसके अलावा तमाम ऑर्गन्स है, तमाम ऑर्गन्स मिल करके क्या बना हुआ है, जो ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ऐसे ही पोइट्री के भी बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को समझना है। उसमें टोन कैसी, टोन का मतलब पोएट जब कोई चीज पढ़ रहा है तो पोएट जो कोई चीज लिखा हुआ है, व्हेन दैट इज रेड बाय अ बाय रीडर और एनीवन, तो उसका पढ़ने का पोइट्री का एक तरीका होता है, उसका टोन क्या। थीम का मतलब उसकी सब्जेक्ट मैटर क्या, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर को लेके उसने पोयम लिखा हुआ है। उसका रिदम कैसे, रिदम का मतलब होता है कि अप एंड डाउन ऑफ वर्ड्स, उसका रिदम कैसे, जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें किस तरह का उतार चढ़ाव है। राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम का मतलब होता है कि ऑलरेडी यू नो कि यू फाइंड कि एंड राइम, यू फाइंड द मिडिल राइम, यू फाइंड व्हाट आई राइम, दीस राइम्स यू फाइंड। एंड राइम पैटर्न का मतलब हो गया कि जब किसी भी पोयम का जहां पे पहली लाइन है उसका जो अंतिम शब्द है, इफ दैट लास्ट वर्ड इज गोइंग टू राइम विद अनदर वर्ड इधर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग आर विद सिमिलर साउंड, देन दैट इज नोन एज राइम। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि किसी लाइन का मैं एक किसी पोयम का मैं एग्जाम्पल दूं कि थ्री इयर्स शी ग्रीव इन सन एंड स्टार, जैसे वर्ड्सवर्थ की पोयम का एजुकेशन ऑफ नेचर का, थ्री इयर्स शी ग्रीव इन सन एंड स्टार, तो पहली लाइन में शार आया हुआ है, फिर उसके बाद क्या लिखा गया वर्ड्सवर्थ ने कि थ्री इयर्स शी ग्रीव इन सन एंड स्टार नेचर सेड अ लवली फ्लावर, तो दूसरी लाइन में क्या आया हुआ फ्लावर। तो जो शार है, जो फ्लावर है, वो साउंड ओरिएंटेड राइम पैटर्न है, वो साउंड से दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा हो रहा है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। उसके अलावा यू मस्ट नो अबाउट काइंड्स ऑफ मीटर, आपको मीटर के बारे में जानना है, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड मीटर भी आपको बताया जाएगा कि मीटर क्या होता है, उसका स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जानना है, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना, आयरनी के बारे में, इन्वर्जन के बारे में, निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में, जक्स्टा पोजिशन के बारे में, दीज आर द वर्ड्स विच यू हैव टू नो, ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको वाकिफ होना है या जो आपको जानना है। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेम्बर लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। अब यहां से आपका पोयम शुरू हो रहा है। अगर आपको याद होगा कि पहले ऐसे ही एक पैटर्न लिया गया था, वो पैटर्न क्या था, जहां पे आप आए हुए थे कि प्रोज जब आप स्टडी कर रहे थे तो उसमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को लेकर के था, उनके बारे में आपको जानना है, फिर आपको क्या था, प्रोज एंड इट्स डिवाइसेस था, फिर उसके पहले प्रोज एंड इट्स टाइप्स था। तो अभी तक क्या बताया गया है, पोएटिक डिवाइसेस क्या है, पोएट्री की क्या क्या डिवाइसेस है, स्टैंजा फॉर्म क्या होता है, और जो यूनिट फर्स्ट है उसमें बताया गया कि किस तरह की पोएट्री होती है, टाइप्स ऑफ पोएट्री को लेकर के बात की जाती है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे विलियम शेक्सपियर पहले राइटर आपके यहाँ सिलेबस में, विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सुना है, ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, इनका एक सोनेट है जो 14 लाइंस का होता है और इस सोनेट का नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। दूसरा है जॉन मिल्टन आपके हैं, जॉन मिल्टन का एक पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी एक सोनेट है, इसे आप पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट में। तीसरा है जॉन डन का प्रेजेंस इन अब्सेंस, आई थिंक कि ये आपने नहीं पढ़ा है, जॉन डन जो है जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं, इनका एक पोयम है प्रेजेंस इन अब्सेंस, और इसके पहले जॉन मिल्टन का जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की जो पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, यू हैव रेड दैट पोयम, ये भी एक सोनेट है, और जॉन मिल्टन जिस एज से बिलोंग करते हैं उसको प्यूरिटन एज कहा जाता है। नेक्स्ट आपके अलेक्जेंडर पोप है, उनका एक पोयम है एसे ऑन मैन, इसे पढ़ना है। उसके बाद यूनिट फोर्थ में, इसका अगर आप देखिएगा हर यूनिट में
शुरू वाली यूनिट में चार राइटर है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप. तो यू फाइंड दैट इन यूनिट फोर देर आर फोर पोएट्स. विलियम शेक्सपियर का क्या पढ़ना है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स. जॉन मिल्टन का क्या पढ़ना है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. जॉन डन का क्या पढ़ना, प्रेजेंस इन अब्सेंस. अलेक्जेंडर पोप का क्या पढ़ना है, एसे ऑन मैन. नाउ यू फाइंड यूनिट फिफ्थ. यूनिट फिफ्थ फिफ्थ में थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेसियल अर्थ. सो इन यूनिट फिफ्थ यू फाइंड हाउ मेनी पोएट्स, इन यूनिट फिफ्थ यू फाइंड थ्री पोएट्स. यूनिट फिफ्थ में आपको जो पोएट्स है उसकी जो संख्या है कितनी है, तीन है. एंड यू फाइंड दैट कि थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेसियल अर्न. ओड ऑन अ ग्रेसियल अर्न. नाउ यूनिट सिक्स में आप पाते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मैथ्यू अर्नोल्ड का डोवर बीच, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस. ये तीनों के तीनों पोएट विक्टोरियन एज के हैं. और ऊपर जो यूनिट फिफ्थ था थॉमस ग्रे से लेकर के जॉन कीट्स तक, ये तीनों पोएट आप कह सकते हैं कि रोमांटिक एज के, लेकिन थॉमस ग्रे प्री रोमांटिक एज के हैं. सो आपको ये पोएट किस एज के हैं वो भी आपको जानना जरूरी है. आई वुड लाइक टू टेल यू कि थॉमस ग्रे एल जी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड प्री रोमांटिक एज के पोएट, जो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप था उसी एज के हैं, लेकिन उनके लिखने का तरीका बिल्कुल अलग रहा है. विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विद अस यू फाइंड. जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेसियल अर्न यू फाइंड. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ब्रेक 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 यू फाइंड. मैथ्यू अर्नोल्ड का डोव बीच यू फाइंड. रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस यू फाइंड. सो दीज थिंग्स यू फाइंड. नाउ ये जो यूनिट एट है, यूनिट एट के जो भी राइटर है ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं. टी एस एलियट का लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, डब्ल्यू बी येट्स का द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग. दीज आर द राइटर, दे ऑल बिलोंग टू मॉडर्न एज, वे मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं. तो काफी अच्छा सिलेबस रखा गया है जहां पे आप शेक्सपियर से शुरू कर रहे हैं और मॉडर्न एज तक आ रहे हैं. तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, विलियम शेक्सपियर से लेकर के फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग तक. देन यूनिट एट में यू फाइंड रेट्रिक एंड प्रोसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. रेट्रिक प्रोसोडी और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंतर्गत कई टॉपिक आता है. जो ऊपर के टॉपिक आपने पढ़ा है लगभग वो सारी चीजें रेट्रिक एंड प्रोसोडी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आएगा. ये भी जानना बहुत जरूरी है. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आई ए रिचर्ड्स ने दिया हुआ था. आई ए रिचर्ड्स ने दिया हुआ था. तो यू फाइंड दीज थिंग. नीचे कुछ किताबों का नाम दिया गया है कि ये किताबें पढ़नी है या किताबें पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोगों को इन किताबों से कोई मतलब नहीं है. इसलिए नहीं मतलब है कि ये बहुत हाई स्टैंडर्ड की किताबें हैं और आपके सिलेबस में जो पोएम्स है उस पोएम से रिलेटेड इसमें कोई खास ऐसा नहीं है. सो आई विल नॉट सजेस्ट. जब आप थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे, एमए वगैरह करने लगे, देन आई विल सजेस्ट दीज बुक्स टू यू. हाँ, इसमें से एम एच एब्राम्स की किताब होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा. एम एच एब्राम्स की किताब बहुत अच्छी किताब है. सारी किताबें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की है, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की है. और अगर आप लेना चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एक कानपुर में मुझे नहीं लगता कि ये मिलेगी. ये आपको दिल्ली में, इलाहाबाद में ही मिलेगी और इट्स नॉट अवेलेबल इन कानपुर. कानपुर में नहीं अवेलेबल है, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये वहां पे नहीं है. इधर यू विल फाइंड इट इन लाइब्रेरी, वो भी अपने यहाँ लाइब्रेरी में होगा, कम ही होगा, सब नहीं होगी. बट इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस को उतना कवर नहीं करता पोएम को जितना कि उन पोएट्स की लाइफ को, उनके वर्क को. चूंकि अगर जैसे शेक्सपियर है तो वो केवल शेक्सपियर के एक किसी पोएम को लेके बात नहीं करेगा जो आपके यहाँ सिलेबस में है, बल्कि वो शेक्सपियर के बहुत सारी चीजों को लेके बात करेगा. तो यू विल बी कंफ्यूज दे. फर्स्ट व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, आपको उसी पैटर्न पे चलना है. या नाउ ये आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को अगर कुछ पूछना है तो आई थिंक नाउ यू गॉट इट. अगेन आई वुड लाइक टू समराइज द होल थिंग. एंड हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड कि पेपर सेकेंड, सॉरी सेमेस्टर सेकेंड, एंड इन सेमेस्टर सेकेंड यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड पोइट्री
पोइट्री एक यूनिट पे बटा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो शेयर किया सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, जो सेकेंड यूनिट है उसमें स्टैंजा फॉर्म है, थर्ड यूनिट में पोइटिक डिवाइस है, फोर्थ यूनिट में विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, जॉन डन है, अलेक्जेंडर पोप है, फिफ्थ यूनिट में थॉमस ग्रे है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, सिक्स यूनिट में आल्फ्रेड ला टेनिशन है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, सेवेंथ में टी एस एलियट, डब्ल्यू बी येट्स, फिलिप लार्की, और लास्ट जो यूनिट है रेटिक एंड प्रोसोडी, और नीचे कुछ किताबों का नाम दिया गया है जो बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तुरंत आप जाकर के उसे मार्केट से खरीद लीजिए। व्हेन वी डिलीवर सम लेक्चर्स एंड यू बिकम एबल टू अंडरस्टैंड, देन इफ यू फाइंड इजी देन यू कैन परचेज इट। एंड मैंने जितने भी मार्क यहाँ किए थे उसको मैंने इरेज कर दिया ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें इसमें रहती। अभी भी अगर आपको सिलेबस को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन से, अदरवाइज आई वुड लाइक टू शेयर द सेकेंड इमेज। मैं एक दूसरी इमेज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, शुड आई शेयर? यस सर। ओके ओके साजदा, नो सर। समीर अंसारी, नो सर, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू शेयर यू अनदर इमेज। या शेयरिंग विद यू अनदर इमेज। Yeah, do you find this? Yes, sir. Here you find कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहाँ पे आपको देखिए, दिस कोर्स कैन बी ऑप्टेड एज एन इलेक्टिव बाय द स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग ओपन टू ऑल। ये कोर्स सभी के लिए है और इस कोर्स में क्या होगा, कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन, इंटरनल इवेल्युएशन होगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा और इंटरनल क्लास टेस्ट होगा जैसा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो होगा कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। याद है आपको मैंने यही दिया था प्रोजेक्ट असाइनमेंट? Yes, sir. Project or assignment that will be what? That will be of 10 marks. Internal class test 15 marks. जो आपका internal class test होगा, वो कितने marks का होगा? 15 marks का होगा, तो total कितना हो गया? 10 plus 15. कितना हो गया? 25. So you find that कि ये जो internal class test है, this internal class test is in the hand of your teacher. He can divide it on the basis of your presence in the school or college और भी चीजों को लेकर के। So these things you find. 15, 10, 25 number का ये चीजें हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि क्या-क्या चीजें उसमें हो सकती हैं या किन-किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें ये होगा। बाकी जो 50 number का होगा वो कौन कराएगा? यूनिवर्सिटी कराएगी। नाउ एक और इमेज आपको शेयर करना, आई थिंक यू गॉट इट, जस्ट आई वांट टू शेयर अनदर इमेज जो यूनिट फर्स्ट में है, कौन कौन से टॉपिक है वो भी मैं आपको शेयर कर।
ये आपका प्रोज का है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि बहुत सारी इमेज रही है, तो उसमें मुझे देखना पड़ रहा है कि कौन सा इमेज है, प्रोज का भी है, कोई ट्री का भी है, एंड यू फाइंड दीज इमेजेस एंड हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड ये चीजें रहा है, दैट इज द you find this one, that is a I think ki ye to abhi maine discuss kiya tha, wahi hai, close anyway. अगर वो इमेज नहीं होगा तो मैं आपको लिख करके बताऊंगा अभी उसका उस पर, ताकि वो क्लियर रहे कि क्या क्या चीजें, इमेज आ जाएगा तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का उसका एक ऑप्शन होता है, वो सही रहेगा. या दिस इज सजेस्टेड रीडिंग, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है. या आई वुड लाइक टू राइट दोस थिंग, आई डिडंट फाइंड कि वो कहाँ पर है, तो आई वुड लाइक टू राइट दैट थिंग कि वो कैसे है, कहाँ पर है. या यू विल कम टू नो, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि किन किन चीजों को यूनिट फर्स्ट में आपको कवर करना है और क्या क्या चीजें, वो व्हाइट बोर्ड ओपन करके, एंड जो चीजें कवर करनी है उनमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें हैं. उनमें से एक चीज ये है कि सबसे पहला कि टाइप्स ऑफ पोइट्री, टाइप्स ऑफ पोइट्री, जो टाइप्स ऑफ पोइट्री है उसमें एक है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, पोइट्री, ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है इसमें क्या क्या चीजें आएगा, इसमें जो है सबसे पहले तो आपको लिरिक पढ़ना है, एल वाई आर आई सी, दूसरा आपको सोनेट पढ़ना है, तीसरा आपको ओड पढ़ना है, और चौथा आपको एलिजी पढ़ना है, ई एल ई जी वाई, ये है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है उसमें आपको पढ़ना है एपिक, दूसरा मॉक एपिक, तीसरा बैलड, आपका नेक्स्ट चौथा ड्रामेटिक मोनोलॉग. इतने टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट में है, ड्रामेटिक मोनोलॉग. अगर कुछ और होगा तो अपनी जगह, लेकिन इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आपको हमेशा काम देंगे किसी ना किसी बोर्ड पे जा करके. तो यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग, आई थिंक नाउ यू केम टू नो, एंड देयर इज नो नीड टू शेयर एनीथिंग विद यू. तो आज के क्लास में यू केम टू नो अबाउट सेकेंड सेमेस्टर. ओके, एंड आई एम राइटिंग इट, या जस्ट कंक्लूडिंग, जस्ट कंक्लूडिंग. या